बलात्कारियों की बढ़ रही तादाद इनके गुनाहों को क्यों छुपाते हो? बलात्कारियों की बढ़ रही तादाद इनके गुनाहों को क्यों छुपाते हो? हर उम्र की बेटी का करते हैं ये शिकार, हर उम्र की बेटी का करते हैं ये शिकार, क्यों इन्हें फांसी पर नहीं लटकाते हो? आज एक बार फिर से 10 साल के बाद में जो दिल्ली में गैंगरेप हुआ था निर्भया के साथ में, सेम उसी तरीके का एक बार फिर से गैंगरेप देखने को मिला है गाजियाबाद में। गाजियाबाद में एक महिला जिसकी उम्र 38 साल है, उसके साथ में इतनी गंदी तरीके से हैवानियत सामने आई है, इतनी गंदी तरीके से उन दरिंदों ने यहाँ पर हैवानियत करी कि उसके प्राइवेट पार्ट में यहाँ पर रॉड घुसा करके उसे मरा हुआ समझ करके एक बोरी में बांध करके यहाँ पर हाईवे पर उसे फेंक दिया। जो दिल्ली का निर्भया का गैंग रेप था, उस केस में भी उन सभी आरोपियों को सजा मिलने में पूरे पूरे 9 साल लग गए थे। केस हुआ था 2012 दिसंबर में, उसके बाद में 2021 में सभी आरोपियों को यहाँ पर फांसी मिली थी। हमारे देश में जो न्याय सिस्टम है, हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है, वो इतनी धीरे है, इतनी स्लो है, इसी वजह से हमारे इंडिया में रह रहे लोगों में किसी में भी ये डर नहीं है, ये खौफ नहीं है कि यदि वो किसी महिला के साथ में इतना घिनौना गंदा काम करेंगे, इस तरीके की हैवानियत करेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। क्योंकि जो इस तरीके की हैवानियत करते हैं, जो इस तरीके का काम करते हैं, वो सभी ये सोचते हैं कि हमारा न्याय सिस्टम तो वैसे ही स्लो है, तो हम इस तरीके का यदि ऐसा कुछ घिनौना काम कर लेंगे, हम इस तरीके का गैंग रेप कर लेंगे, तो हम आसानी से बेल पर बाहर हो जाएंगे, हमें जब फांसी की सजा दी जाएगी उसे इम्प्लीमेंट होने में ही हमें इतना टाइम लग जाएगा कि हम अपनी आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं। इसी की वजह से हमारे न्याय सिस्टम की इस स्लो प्रोसेस की वजह से, हमारे जस्टिस डिलीवर में इतना डिले होने की वजह से हमारे देश की जनता में ऐसा खौफ बिल्कुल भी नहीं है कि यदि उन्होंने कल ऐसा कुछ काम किया तो उनके साथ में उन्हें पनिशमेंट जो दी जाएगी वो जल्द से जल्द पनिशमेंट मिल सकती है। हमारा न्याय सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हमें आसानी से उन्हें सजा दिलवा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसी वजह से हमारे देश के लोगों में बिल्कुल भी खौफ नहीं है और इसी के कारण हमें आए दिन अखबारों में इस तरीके की न्यूज़ सुनने को मिलती है। इस केस में हुआ ये था कि ये महिला जो थी उसकी उम्र 38 साल है, ये महिला अपने भाई के साथ में अपने भाई के घर पर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाती है। ये महिला प्रॉपर दिल्ली की रहने वाली है और इसका जो भाई है वो गाजियाबाद में रहता है। ये गाजियाबाद की बॉम्बे कॉलोनी में जाती है बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। इसके बाद में जब बर्थडे सेलिब्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद में इसका भाई अपनी बहन को लेकर के रात के 9:30 बजे हाईवे पर इसको ड्रॉप करता है, जहां पर ये महिला एक ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। ऑटो के इंतज़ार करते करते वहाँ पर एक स्कॉर्पियो आती है और स्कॉर्पियो के अंदर 4 व्यक्ति वहाँ पर पहले से मौजूद थे। उन सभी 4 व्यक्तियों ने यहाँ पर उस महिला को बंदूक दिखा करके, बंदूक से डरा करके, धमका करके उस महिला को स्कॉर्पियो में बिठा लिया, जिसके थोड़ी देर आगे चलने के बाद में यहाँ पर उसको एक और लड़का यहाँ पर उस स्कॉर्पियो में बैठता है। मतलब कि यहाँ पर टोटल 5 आरोपी जो हैं इस स्कॉर्पियो में मौजूद हो जाते हैं। यहाँ पर ये 5 आरोपी उस महिला के साथ में लगातार 2 दिन तक गैंग रेप करते हैं। इसके बाद में उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल करके उसे मरा हुआ समझ करके उसे एक बोरे में बंद करके वो सभी आरोपी उस महिला को एक हाईवे पर फेंक आते हैं। अकॉर्डिंग टू FIR ये सभी जो 5 आरोपी हैं वो सभी उस महिला के परिचित यानी कि जान पहचान वाले थे। इस महिला का कोई विवाद चल रहा था, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई उसने सूट फाइल कर रखा था कोर्ट में और उसी सूट के चक्कर में इस महिला को ये 5 आरोपी मारने की धमकियां देते थे। इन सभी 5 आरोपियों के नाम जावेद, दीनू, शाहरुख, धोला, औरंगजेब और जहीर है। ये सभी जो 5 आरोपी थे, इन सभी ने इस महिला के साथ में लगातार 2 दिन तक यहाँ पर गैंग रेप करने के बाद में उसे मरा हुआ समझ करके हाईवे पर फेंक दिया। इस महिला को यहाँ पर 2 दिन के बाद में 18 अक्टूबर को सुबह के 3:30 बजे जो है राहगीरों ने देखा, तब जाकर के यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। इस महिला का अभी एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और बताया जा रहा है कि ये महिला जो है वो खुद भी एक हॉस्पिटल में नर्स हैं। इसके साथ ही इसका एक बच्चा भी है।
इससे यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि जो भी व्यक्ति इस तरीके की हैवानियत करता है या फिर इस तरीके की उसकी मानसिकता होती है, वो एज को नहीं देखता है, चाहे वो लड़की फिर 21 साल की हो या फिर जैसा कि इस केस में देखने को मिला कि चाहे उस महिला की उम्र 38 साल क्यों ना हो। यहाँ पर एज कोई भी मैटर नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ मैटर ये करता है कि जो इस तरीके की हैवानियत करता है उनके दिमाग में किसी भी तरीके का खौफ नहीं होता है और ना ही किसी तरीके का डर पैदा होता है, क्योंकि हमारा जो न्याय सिस्टम है, हमारी जो जुडिशरी है, उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो इस तरीके की जो हैवानियत करने वाले व्यक्ति होते हैं, इस तरीके की जो रेप केस करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें जल्द से जल्द सजा दे करके उन्हें जल्द से जल्द फांसी नहीं सुनाती है। जैसा कि आज से 10 साल पहले जो निर्भया का केस हुआ था, उस केस में भी जस्टिस डिलीवर करने में पूरे पूरे 9 साल लग गए थे। पिछले साल ही 2021 को सभी आरोपियों को यहां पर फांसी मिली और तब जाकर के निर्भया को 9 साल के बाद में यहां पर जस्टिस मिला था। इसी के कारण हमारी जो न्यायपालिका का इतना ढीला होना, हमारी न्यायपालिका में इतना लैकुना होना, इतनी स्लो प्रोसेस होना, इसका नतीजा ये होता है कि लोगों के मन में कोई भी खौफ नहीं होता। इसी के कारण हम आए दिन अखबारों में इस तरीके की न्यूज़ सुनते हैं। इसके साथ ही हमारे जो देश में नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी यदि ऐसी कुछ घटना होती है तो 2 मिनट जाकर के उस परिवार को सांत्वना दे देते हैं या फिर आकर के मीडिया में थोड़े बहुत बयान कर देते हैं, बस अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी राजनीति के बारे में बताने के लिए, ना कि उनका इमोशनली ऐसे केसेस से कुछ अटैचमेंट होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो भी यही सोचते हैं कि अभी तो यहाँ पर ये दूसरी बहन बेटियों के साथ में हुआ है, दूसरे व्यक्तियों के साथ में हुआ है, हमारे घर में जो बहन बेटी है वो अभी सुरक्षित है, तो हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, हम ऐसे मुद्दों पर जाकर के आवाज नहीं उठाएंगे, हम यहां पर अपनी कार्य प्रणाली जो है, हमारी जुडिशरी सिस्टम है, हम उस पर भी आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि अभी तक हमारी बहन और बेटियां जो है घर में सुरक्षित हैं। तो एक शायरी मैं उन सभी राजनेताओं के लिए, उन सभी मंत्रियों के लिए कहना चाहूंगी जो ये सोचते हैं कि अभी तो हमारी बेटी सुरक्षित है तो हमें आवाज नहीं उठानी चाहिए। शायद उस दिन ताला टूटे संविधान की पेटी का, शायद उस दिन ताला टूटे संविधान की पेटी का, जिस दिन जिस्म निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री की बेटी का। बस यही सोच रखते हैं सभी मंत्री लोग कि अभी हमारी घर की बहन बेटियां सुरक्षित हैं, हमें आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। जबकि मैं सभी उन मंत्रियों से, स्पेशली जो फीमेल मंत्रियां हैं, जो महिला मंत्री हैं, महिला राजनेता हैं, उन सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी पर्सनली कि उन सभी को आगे आना चाहिए, उन सभी को इस मुद्दे पर डिस्कस करना चाहिए, साथ ही साथ हमारी जुडिशरी पर भी सवाल उठाने चाहिए जिसमें हमारा इतना स्लो प्रोसेस दिया हुआ है कि एक महिला को जस्टिस मिलने में, न्याय मिलने में सालों साल लग जाते हैं। इसके साथ ही मैं पार्लियामेंट से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे जो पार्लियामेंट में जो लॉ बनाए जाते हैं, ऑलरेडी हमारे पास में आईपीसी जैसा इतना स्ट्रॉन्ग लॉ है जिसके अंतर्गत रेप से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं कि यदि कोई व्यक्ति रेप करता है तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। यस, आई डेफिनेटली एग्री विथ ऑल द प्रोविजंस, बट यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उन सभी प्रोविजंस में ये ऐड कर देना चाहिए कि यदि किसी महिला के साथ में या किसी भी व्यक्ति के साथ में इस तरीके की हैवानियत होती है तो उसकी जो कार्यवाही है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके जो भी इस व्यक्ति में, जो भी इस ऐसे कांड में शामिल होता है, ऐसे क्राइम करता है, ऐसे हैवानियत करता है महिला के साथ में, तो उसे जल्द से जल्द पनिशमेंट दी जानी चाहिए। इवन दो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगी कि उन सभी को 1 महीने के अंदर अंदर यहां पर पनिशमेंट दी जाए और फांसी से कम तो कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारे देश में जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं लोग, उन सभी के मन में शायद कुछ खौफ पैदा हो। मैं यहां पर आम जनता से भी ये अपील करना चाहूँगी, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो भी इस बात का इंतज़ार ना करें कि अभी हमारे घर में जो बहन बेटी हैं वो अभी सुरक्षित हैं तो हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। नहीं, उन सभी को भी यहाँ पर सामने आना चाहिए, उन सभी को भी यहाँ पर आकर के इस बात पर यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए, हमारी न्यायपालिका से यहाँ पर रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि यहाँ पर जो जस्टिस डिलीवर सिस्टम है उसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। तो उन सभी महिलाओं से, इन सभी, मैं देश के सभी नेताओं से, इसके साथ ही मैं अपनी
पार्लियामेंट से यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इन सभी में अमेंडमेंट करके यहाँ पर कुछ अच्छा संशोधन किया जाए, इसकी जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा फास्ट किया जाए, ताकि इस देश में जो रह रही महिलाएं हैं उन सभी वो सभी महिलाएं जो हैं इस खौफ में ना जिए कि यदि वो बाहर निकलेंगी तो क्या पता कल को उनके साथ में ऐसा कुछ हो जाए, ताकि सभी महिलाओं को यहाँ पर जस्टिस मिल सके।